मुझे माफ कर दे पापा। मेरी वजह से आपको बहुत दुख पहुंचा है और जो कुछ भी हुआ ये अम्मी की मर्जी थी, मेरी ख्वाहिश नहीं थी। अगर तुमने तो खुद बेटा अम्मी के कहने पे किया था ना सब कुछ। अम्मी अम्मी नहीं चाहती थी कि अली और हायमा की शादी हो, वो चाहती थी कि अली की शादी सनिया से हो और सनिया मुझसे। हाँ बाबा, अयास ठीक बोल रहे हैं। अयास सनिया की पसंद थी। मैं तो सनिया की वजह से जमीला आंटी से इन दोनों की शादी की बात की थी। और मैं एक फरमाबरदार बेटे की तरह अम्मी का हुक्म मान लिया और आपसे हायमा को मांग लिया। आपके सामने, आसिम के सामने, अली के सामने शर्मिंदा हुआ। पापा मुझे, मेरी मर्जी नहीं थी, मुझे माफ कर दे। अयास, पापा मेरी मां चली गई है, अब आप ही हैं, मेरे बाप भी और मेरी मां भी। बस बेटा मत रो, तुम्हारे आंसू मेरे दिल पे गिरते हैं। नहीं रोएगा कोई, मेरे बाप ने मुझे माफ कर दिया, मैं सीने से लगा लिया। अब कोई नहीं रोएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए बस। हाँ, अब कोई नहीं रोएगा बस। अयास, तुम अकेले नहीं हो, फिर तुम्हारा भाई, तुम्हारे पापा जिंदा है। मैं अपना दिल साफ कर लिया। अरे पागल, मैं तो तुम्हारी खुशी की खातिर पापा से लड़ता था, अब मैं खुद तुम्हारी असनिया की शादी करवाऊंगा। अकेले क्यों बैठे हैं, अंदर चलो। मेरा मूड नहीं आया। मम्मी क्यों चली गई? जो कुछ भी हुआ, अगर नहीं हुआ होता तो शायद अम्मी हमें छोड़कर नहीं जाती। तो उस बात का है माँ, जो मैं नाराज चली गई, कुछ तो कह जाती। मम्मी के जाने से सब कुछ बिखर गया, रिश्तों की वो जंजीर टूट गई, उस पे आज तक अनजान ने हमें बांध के रखा है। वो जंजीर कभी नहीं टूटेगी अली। रुको आयमा, मैंने तुमसे एक बार पहले भी कहा था कि तुम्हारा और मेरा एक ही रिश्ता हो सकता है, भाभी का, बहन का। और जिस बात की वजह से तुम्हारा और अली का निकाह पापा ने चुपके से करवा दिया, वो मेरी ख्वाहिश नहीं थी, ऐसा मामा चाहते थे। मामा ने जमीला खाला को सनिया के लिए जुबान दे रखी थी और वो नहीं चाहती थी कि मैं सनिया से शादी करूं, इसलिए उन्होंने ये चाहा कि मैं तुमसे शादी कर लूं ताकि सनिया मेरे रास्ते से हट जाए। मैं इतना घटिया बेगैरत नहीं हूं कि मैं तो छोटे भाई की खुशियों पर डाका डाल दू। मैं इतना घटिया नहीं। हाँ एमा, अयास ठीक कह रहे हैं। अयास भाई, ये बोल के आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया।
खुश रहो, तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरे बेटे की तरह हो। मैं ऐसा कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारी खुशियों को डाका डालूं। खुश रहो तुम दोनों। थैंक यू सो मच यस भाई। अरे भाई क्या बात है, आज तो चाय का दौर दौरा चल रहा है भाभी जान। आप मुझे मेरे नाम से भी बुला सकते हैं। तो क्या है ना, कि रिश्तों का तकद्दुस सामने आ जाता है, वरना नाम करने में कोई बुरी बात तो नहीं। ये कह के आपने मुझे बहुत मोहतबर कर दिया है। फिर ये चाय आप ले लें, मैं आसिम भाई के लिए और बना लेती हूँ। एक काम करो, ये चाय तो मुझे दे दो, मैं आसिम के रूम में ले जाता हूँ। जो चाहे तुम मेरे लिए बनाने जा रही हो उसको आशिक में कमरे में ले आना। जी। जी जी, वो साहब आपको बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। आयमा की कॉल इस टाइम। आयमा आयमा, आयो बेटा। आयमा आयमा बेटा, मैं हूँ।
खुदाया। अरे डूब के मर जाओ शैतान और शैतान, बल्कि मैं तो यूं कहूंगी कि शैतान को भी मात दे दी तुमने। मैं शर्म ना आई तुम्हें, सरासी बच्ची, क्या बोलूं मैं? पापा ये क्या मैंने अरे क्या मैं कर रहे हो? या अल्लाह, ये मंजर देखने से पहले मैं अंधी क्यों ना हो गई, या आसमान क्यों ना फट गया। अरे क्या हो गया, आप लोगों ने इतना शोर क्यों मचा रखा है यहाँ पे? बताओ बताओ भाई को भी अपने अब्बा की करतूत। अरे आप लोग सब चुप क्यों हैं? और ये आयमा को क्या हुआ है? आयमा आयमा क्या हुआ, आयमा क्या हुआ तुम्हें, बोलो आयमा। अरे मर गई आयमा, जनाजा उठ गया इसका। अरे जमीला आंटी कुछ तो बोले। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है, सुनना चाहते हो तो सुन लो। तेरे इस अब्बा ने ना, जो बड़ा शरीफ बना खड़ा हुआ बेशर्म कहीं का, इसने आयमा की इज्जत तार तार कर दी है। पापा ये सब लोग क्या कह रहे हैं, कह दीजिए ये झूठ है, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। पापा बोलिए। आयमा ने पापा को कॉल की थी इतनी रात को? अरे तुम्हारा अगर कोई चक्कर चल ही रहा था इस लड़की के साथ, तो उस बच्चे की शादी क्यों करवा दी? इसका अली का निकाह क्यों पढ़वा दिया इसके साथ तुमने? सिर्फ अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए, और क्या। पापा ये क्या कर दिया आपने, आपकी तो बख्शिश भी नहीं होगी। पापा खामोश, बंद करो ये बकवास, मैंने कुछ नहीं किया। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि मैं ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता हूं। शर्म? अरे शर्म से तो तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए, तुम इंसान नहीं वैशी हो, मैशी, समझ आई? अली आसिफ, तुम लोगों को कैसे यकीन आएगा कि तुम्हारा बाप ऐसी हरकत कर सकता है? अरे जो कुछ देखा है वही दोहरा रहे हैं ना, अपने पल्ले से तो कुछ नहीं कह दिया ना तुम्हें। अपनी हालत को देखिए, उसके बावजूद इनकार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं हमसे कि आपने ये नहीं किया। अली अली ये सब झूठ है बेटा। अल्लाह मेरी तौबा। अरे रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी तुम मुकर रहे हो, भाई तुम तो बहुत बड़े शैतान हो। अरे शर्म कर लो, जवान बेटों के सामने इतनी गंदी हरकत करने के बावजूद शर्म तो तुम्हें आएगी नहीं। अरे कुछ तो बोलो ना तुम। अली तौबा, ये सब झूठ है। अबे भाई ये कुछ नहीं किया, मारो हमें, खुदा गारत करे तुम्हें। डूब के मर जाओ शैतान और शैतान, आपकी तो बख्शिश भी नहीं होगी। पापा मर गई आयमा, जनाजा उठ गया इसका। तेरे इस अब्बा ने ना आयमा की इज्जत तार तार कर दी है। पापा ये क्या कर दिया आपने, बल्कि मैं तो यूं कहूंगी कि शैतान को भी मार दे दी तुमने। अरे तुम्हारा अगर कोई चक्कर चल ही रहा था इस लड़की के साथ, तो उस बच्चे की शादी क्यों करवा दी? इसका अली का निकाह क्यों पढ़वा दिया इसके साथ तुमने? अरे डूब के मर जाओ शैतान और शैतान, आपकी तो बख्शिश भी नहीं होगी। पापा मर गई आयमा, जनाजा उठ गया इसका।
तेरे इस अब्बा ने ना आयमा की इज्जत तार तार कर दी है। रोना बंद कर प्लीज। रोने दीजिए मुझे, मुझे मेरे पापा की लुटी हुई इज्जत पे रोने दीजिए। रोलो रोलो रे बाप, मैं भी रोता हूं। मेरा फखर, मेरे गरूर का बुत पाश हो गया, किर्ची किर्ची हो गया मेरा ये, मेरा ये कीर किर्ची किर्ची हो गया। वो शख्स जिसकी शराफत, जिसका किरदार मेरा ईमान था, रहमत टूट गया, मेरा तो सारा ईमान टूट गया। अरे किसकी शराफत, किसके किरदार की कसम खाऊंगा? रहमत इसको हटा दे, हम इसके काबिल नहीं। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम पर जुल्म हुआ है। तुम खुद ऐसी नहीं हो बेटा, खुद ऐसी नहीं हो। ओए माँ, बेशरम बेहया, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूं। अरे रहमा बीबी क्या कर रही है, इसका क्या कसूर है? मुझसे आप इसका कसूर पूछ रही है? इसका कसूर तो है किसी को मतलब ही नहीं सकती। तुम मर क्यों नहीं गई आयमा? इतनी सी कहानी है मेरी जिंदगानी।